फतेहाबाद के रतिया शहर स्थित लकी फुटवेयर की दुकान में चोरी। चोरों ने दुकान की पिछली दीवार तोड़कर घुसे अंदर। दुकान से 18,000 नकदी और शूज ले उड़े चोर। चोर अपने पुराने जूते छोड़ नए पहन कर गए। पीड़ित दुकानदार ने दी पुलिस को शिकायत। शिकायत के आधार पर पुलिस ने की जांच की शुरुआत। रात के अंधेरे और सर्द रातों को अपना जरिया बनाकर चोर चोरी कर्म मशगूल है। देर फतेहाबाद के रतिया शहर में देर रात मेन बाजार स्थित एक फुटवेयर की दुकान में चोरों ने सैन लगाकर दुकान की पिछली दीवार तोड़कर उसमें एक बड़ा छेद कर दुकान के अंदर घुस गए और दुकान में रखा कैश और कुछ जूते लेकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार दुकानदार रात 9:30 बजे दुकान बंद कर अपने घर चला गया था। पीछे से रात के अंधेरे में चोरों ने दुकान में घुसकर चोरी की और चोर दुकान के कुछ जूते भी चुरा कर ले गए। इसकी जानकारी जब दुकानदार को लगी तो दुकानदार हक्का बक्का रह गया। तुरंत दुकानदार ने पुलिस को शिकायत दी। मामला जी रात आए सी जी, मतलब शोभदा के गया 9:30 बजे जी, ओके सी जी, और कैश रख के गए सी। ड्रोर च मेरे कैश पिया सी 17-18 हज़ार रुपया पिया सी। ठीक है, सवेरे जो आके दुकान खोली 9:30 बजे, मतलब कैश, मतलब दुकान की हालात थोड़ी अपसेट सी। उदो बाद संभाल जी, ड्रोर बाहर पिया सी, कैश वाला सीगा, कैश सारा क्लीयर सीगा, कुछ भी है नहीं सी जी, सारे कैश ले गया। उस बाद जाके उपर संभालिया जी, उपरों शूज उन्हें एक आपका पुराना उतार गया जी, मेरा नवा शूज पा के लै गया। बाकी हजे पता नहीं नवे होर किन्ने के लै गए, लगभग हूँ कोई आइडिया नहीं। कैश तो है जी 17-18 हज़ार रुपया कैश सी, शूज हजे पता चलना जी बाद च किन्ना किन्ने लै गए जी। स्कूल के पिछों आया से जी, मोरा कट के जी, कंध तोड़ के। बाकी हूँ पुलिस कार्रवाई कर रही है जी, देख रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया और दुकानदार की शिकायत पर अज्ञात चोर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही चोर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जूतों की दुकान पर चोरी की सूचना मिली है, मौके पर पहुंच गए हैं और जांच शुरू कर दी है। पता लगा सर कौन थे ये? अभी तक पता नहीं लगा है, जल्दी ही मामले का खुलासा किया जाएगा। फतेहाबाद से जसपाल सिंह की रिपोर्ट, सत्य खबर। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।